पहले भी यहाँ पे गोलाबारी हुई, उसके बाद काफ़ी अरसे के बाद आज गोलाबारी शुरू हुई है 9:30 बजे के करीब। तो यहाँ लोग डर गए हैं, घरों में बंद हो गए हैं, माल मेशी बंद हो गया है। पहले जो गोले भरे थे, माल मेशी बहुत मरा, यहाँ आदमी भी एक बची मरी बाणी चेचिया में जख्मी भी हुए। तो आज रुक रुक का फैर सुबह से चल रहा है, फिर काफ़ी दहशत है, काफ़ी 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 लोगों में भगदड़ बच गई है। वो माल मेशी अंदर घरों में बंद हो गया है, लोग चलना टूरना बंद हो गए, रुक रुक का जो फायर चल रहा है इसका खतरा बहुत है। आज काफ़ी दिन के बाद यहाँ फायरिंग शुरू हो गई है, तो लगभग 8:30 बजे के बाद हुई है ये, लगभग 8:30 बजे के बाद हुई है। तो लगभग 8:30 बजे के बाद हुई है, तो काफ़ी अरसा के बाद हो गई है ये, और उसकी वजह से परेशानी ये हो गया, स्कूल के बच्चों को भी छुट्टी हो गई है। तो इधर हमारे एरिया में पहली बार भी हुई थी तो बहुत नुकसान हो गया था, बच्ची एक भी मर गई थी। तो इस बार फिर फायरिंग शुरू हो गया, पता नहीं अल्लाह जाने क्या होगा तो क्या नहीं। काफ़ी घबराए हुए आप लोग? और क्या, जब फायरिंग होती है तो फिर पहली बार भी बंदे जख्मी हो गए थे तो घबराहट तो होती है। माल मेशी सब अंदर बंद रखे हुए, बाहर निकालने की कोई बात ही नहीं, फायरिंग शुरू है, स्कूलों में छुट्टी।